कान्हा की नगरी मथुरा से पीएम मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया। देशवासियों से उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे की अपील की है और कचरे से प्लास्टिक बीनने वाली महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की। पहले स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उन्होंने एक संदेश दिया था, लेकिन अब सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे के लिए उन्होंने ये अपील की है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की गो सेवा भी आज देखने को मिली जब वो पशु आरोग्य मेले की शुरुआत करने यहां पर पहुंच रहे थे और गाय की सर्जरी प्लास्टिक यहां पर निकाला गया। किस तरह से जब आप कचरे में प्लास्टिक फेंक देते हैं और उस प्लास्टिक को गाय कभी कभी खा लेती है, हालांकि बहुत दिक्कतें यहां पर आती है, सर्जरी होती है जिसके बाद गाय के पेट से प्लास्टिक को बाहर निकाला जाता है। साथ ही एक संकल्प के तौर पर इसको लिया गया है। उन महिलाओं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है जो महिलाएं प्लास्टिक बीनने का काम करती हैं। ये देखिए तस्वीरें, तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब वो खुद महिलाओं के बीच बैठे और उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की। पशु टीकाकरण, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पशुपालकों से उन्होंने चर्चा की है क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आती हैं, कैसे उनकी आय बढ़ाई जा सकती है, कैसे पशुपालकों के लिए योजनाएं चलाई जा सकती हैं, इस मामले में भी उन्होंने बातचीत की है। पशु मेले का उन्होंने निरीक्षण भी यहां पर किया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे और उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत और पशु टीकाकरण, पशुपालकों से चर्चा की है, पशु मेले का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। हम कृषि विकल्पों के साथ आगे बढ़ें, ये पीएम मोदी ने कहा है और गोवंश की रक्षा के लिए भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये संदेश देते हुए नजर आया। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील है, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की उन्होंने अपील की है। 2 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दें, पीएम मोदी की देशवासियों से यही अपील है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो महिलाओं के बीच बैठे, उन महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की जो प्लास्टिक बीनने का कार्य करती हैं। देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो पॉलिथीन नहीं बल्कि कपड़े का बैग लेकर आप बाहर निकल सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो पशु मेले का निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे थे और गो सेवा वो करते हुए आज नजर आए। गाय और ओम शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत होती है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। रवांडा में गाय भेंट में दी जाती है। हम कृषि विकल्पों के साथ आगे बढ़े, पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आए। कुछ लोगों के कान पर गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। और मथुरा से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत सारे संकल्प और बहुत सारी अपील आज पीएम मोदी ने की है, सबसे बड़ा संदेश उन्होंने यही दिया है कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए सभी लोग एकजुट होकर सामने आए, वैसे ही अब एक छोटी सी पहल ये है कि अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ा योगदान स्वच्छ भारत के लिए ही होता है। और क्या कुछ पीएम मोदी आज संदेश देते हुए नजर आए? देखिए जिया, कई चीज़ें प्रधानमंत्री ने यहाँ पे सीधे तौर पे जो कार्यक्रम था उसमें कई चीज़ों की बात कही। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही कि जिस तरीके से प्लास्टिक का यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं सीधे तौर पे उसको 2 अक्टूबर तक कहीं स्वतः ही या तो रोकना चाहिए नहीं तो उसे बैन कर देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने खुद ही कहा कि जो भी कार्यालय हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हों या कोई भी कार्यालय हों, उन जगहों पे मेटल का काम किया जाए, मेटल के जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए और प्लास्टिक को कहीं सीधे तौर पे यहाँ पर बैन किया जाए, साफ सीधे तौर पहला यदि कहा जाए तो। प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर सबसे जोर दिया और इसके पीछे कारण भी एक और चीज़ बताया कि जो सीधे तौर पर जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को कहीं ना कहीं गाय जानवर जितने जानवर होते हैं कहीं सीधे तौर पर उनको उसको खा लेते हैं और उसकी वजह से उनको गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक साफ सीधे तौर पे एक और चीज़ सबसे बड़ी चीज़ थी कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करने से कहीं सीधे तौर पे नहीं चुके कि गाय और ओम शब्द का जब प्रयोग होता है और जैसे ही गाय और ओम शब्द का प्रयोग होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिनका सीधे तौर पर कान खड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि वो 16वीं
शताब्दी में चले गए हैं, तो ये सीधे तौर पे एक प्रधानमंत्री ने एक कटाक्ष किया है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यदि कहा जाए तो जिस तरीके से गौवंश को लेकर के या जिस तरीके से तमाम जो जानवर हैं उनको किस तरीके से स्वस्थ किया जाए, क्योंकि यदि ये जानवर वो स्वस्थ रहेंगे तो साफ सीधे तौर पर एक सबसे ज़्यादा फायदा उन किसानों के लिए होता है कि उन किसानों की आमदनी कहीं सीधे तौर पर बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बीमारियों से उनके जानवर ग्रसित हो जाते हैं और जिनकी वजह से उन्हें या तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है या उनको काफ़ी ज़्यादा खर्च वहाँ पे करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत, इन सभी चीज़ों की सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि फोकस करना, ये एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल राहुल, और एक और चीज़ देखने को मिली है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और एक बड़ा संकल्प है, इसको वादा भी कह सकते हैं, जो कि उन्होंने किया है किसानों से भी कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। आज उन्होंने पशुपालकों से भी बात की है, उनकी भी आय उन्हें बढ़ानी है, कैसे वो पशुओं की चिंता कर सकते हैं, कैसे वो उनकी रखवाली कर सकते हैं, इस बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही वजह है कि वो आज पशुपालकों से भी मिलते हुए नजर आए, कैसे उनकी देखरेख की जा सकती है इस बारे में भी उन्होंने आज चर्चा की है और किसानों के लिए भी वो कई सौगातें देने की बात आज कहते हुए नजर आए। देखिए जी, इसमें कई चीज़ें प्रधानमंत्री ने जो यहाँ से यदि साफ सीधे तौर पर यदि कहा जाए जो टेक है कि सीधे तौर पर स्वच्छ रहेंगे तो कैसे निरोग रहेंगे और स्वच्छता यदि रहती है तो कैसे, कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है। ये सब चीज़ें जो है प्रधानमंत्री ने साफ सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से जब 2014 में सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट आई, तो सबसे पहला उन्होंने काम जो 2 अक्टूबर को किया था वो स्वच्छता मिशन की शुरुआत वहाँ पर की थी और स्वच्छता मिशन के ऊपर आज भी फोकस प्रधानमंत्री ने यहां पर किया है। सबसे बड़ी चीज है कि एक कार्यक्रम जो यहां पर सबसे शुरुआत की गई कि आज के समय में कृत्रिम जो गर्भाधान का शुरुआत की गई है वो यदि देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा फोकस ये है कि जो किसान हैं या जो लोग पशुओं को पालते हैं उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आखिर में वो क्या पैदा करना चाहते हैं। मानिए यदि किसी को बछिया ही पैदा करना है तो उसके लिए बाकायदे उसकी एक पूरी पूरी एक प्रक्रिया के तहत तैयारी की जा रही है कि वो बछिया ही, क्योंकि कई बार होता क्या है कि यदि बछड़े को पैदा होने के बाद उसको किसान के लिए, बिल्कुल राहुल, तो कह सकते हैं नया संकल्प है, न्यू इंडिया का नया संकल्प यही है कि प्लास्टिक भारत छोड़ो और साथ ही कैसे गौवंश की रक्षा की जा सकती है, इसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।